हेलो दोस्तों, मेवेन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऐड और अपडेट द मेवेन सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल इन इक्लिप्स। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल हमें कहाँ मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और मेवेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेक करना है, जैसे MVN कमांड लिखना है और हाइफन हाइफन वर्शन। राइट, तो दिस विल टेल यू कि करेंटली जो हमारे मशीन पे जो मेवेन यूज हो रहा है उसका करेंटली वर्शन क्या है और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या है। ये देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, बीन तक का फाइल है, तो हमें इसमें जाना है, इस डायरेक्टरी में। राइट, विंडोज आर प्रेस करके ये पेस्ट करता हूँ और ये देख सकते हैं कि ये विंडोज में मेरा जो मेवेन है उसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। इसमें कॉन्फ में जाएंगे तो यहाँ सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल आपको मिलेगा, जो कि ग्लोबल सेटिंग्स डॉट एक्स एम एल फाइल है। आप चाहे तो डायरेक्टली ये लोकेशन अपडेट कर सकते हैं आप अपने इक्लिप्स में, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू डोंट अपडेट हियर इटसेल्फ, क्योंकि ये ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल हो जाएगा इन द सेंस आपके मशीन पे जितने भी वर्क स्पेस होंगे सभी के लिए यही एक ही होगा। तो हम चाहते हैं कि वर्क स्पेस स्पेसिफिक सेटिंग डॉट एक्सएमएल सेट करना, इसको कॉपी करना है आपको। और स्टैंडर्ड जो प्लेस होता है इसे सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल का, वो होता है सी ड्राइव यूजर्स, आपका यूजर नेम है, उसके अंदर जो M2 डायरेक्टरी है यहाँ पेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है, यू कैन पेस्ट दिस सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल एनीवेयर, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है जहाँ हमें रखना चाहिए। उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, और इसे अपडेट करने से पहले इक्लिप्स में कम से कम एक एट्रीब्यूट, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉन्फिग्रेशनल स्टफ है जो हम कर सकते हैं। राइट, हम सारे कॉन्फिग्रेशनल स्टफ्स को एक वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि जब हम इक्लिप्स में अपडेट करेंगे तो वो ये प्रूफ कर सके कि ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल को ले रहा है। राइट, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ समथिंग इज कॉल्ड लोकल रिपोजिटरी। राइट, लोकल रिपोजिटरी। राइट, आप देख सकते हैं कि ये लोकल रिपोजिटरी है। राइट, तो बाई डिफॉल्ट जो लोकल रिपोजिटरी होता है यूजर होम, उसके अंदर M2, उसके अंदर रिपोजिटरी डायरेक्टरी होता है। राइट, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके होम के अंदर M2 डायरेक्टरी या रिपोजिटरी, इसके अंदर जितने भी जैसे मेवेन बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स है या लाइब्रेरीज है, राइट, वो सारे मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके यहाँ स्टोर हो जाता है लोकल रिपोजिटरी में। राइट, और नेक्स्ट टाइम सेम प्रोजेक्ट आप बिल्ड करते हो तो मेवेन विल लुक इन टू दोज आर्टिफैक्ट्स इन योर लोकल रिपोजिटरी, यहाँ ऑलरेडी मिल जाएगा तो वो रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड नहीं करेगा। इस तरह से परफॉर्मेंस बेसिकली इम्प्रूव करता है मेवेन, काइंड ऑफ कैशिंग यूज करता है। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपोजिटरी है इसका लोकेशन चेंज करना, ये M2 रिपोजिटरी के अंदर ना होके कहीं और हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टैग है इसको अनकमेंट कर देना होगा, लोकल रिपोजिटरी लोकल, ये जो है ये कमेंटेड पार्ट है मैं रिमूव करता हूँ। सॉरी, ये तो बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो गया, कमेंटेड पार्ट अनकमेंट करना है सबसे पहले इसे। राइट, ये जो अननेसेसरी स्टेप्स है बाय डिफॉल्ट जो होता है M2 रिपोजिटरी से मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी अपडेट करता हूँ लोकेशन। लेट्स से कि मैं जाता हूँ और लेट्स से डी ड्राइव में, और यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट्स से माय रेपो, और ये मैं कॉपी करके इस लोकेशन को पेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना भी जब वो कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करूँ तो मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी से जो भी आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड होता है इसमें स्टोर हो। राइट, D:\MyRepo, इसको सेव कर देना है आपको, ऐसे क्लोज कर देना है। नाउ आई विल गो टू द इक्लिप्स एंड लेट्स से यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है इक्लिप्स में मेवेन प्रोजेक्ट है, अभी देख रहे हो ये सी यूजर्स यूजर नेम डॉट M2, उसके अंदर रिपोजिटरी, उसके अंदर सारे जार्स डाउनलोड होकर स्टोर हुए हैं। लेकिन मैं इसे चेंज कर दूंगा सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल को, तो फिर डी ड्राइव में माई रेपो है उसमें सब फिर से रीबिल्ड होगा, वहाँ पर ये सारे रिपोजिटरी आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड होंगे और स्टोर होंगे। राइट, तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि जो हम अभी सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल जो हम यूज करने वाले हैं वो अपडेट हो गया इक्लिप्स में। राइट, तो आई विल गो टू द इक्लिप्स विंडोज में प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ आपको सर्च करना है मेवेन। राइट, मेवेन में बहुत सारे ऑप्शन है, मेवेन के अंदर यूजर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ दो ऑप्शन है, ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स का मतलब जो मेवेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसमें कॉन्फिग के अंदर सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल वो, लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं यूजर स्पेसिफिक। तो यूजर सेटिंग्स में जाना है, ब्राउज करना है आपके सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल को जो यहाँ हमने सेव कर रखा है, और इसे ओपन पर क्लिक करके अपडेट सेटिंग्स में कर देना है। तो यही तरीका होता है
और अप्लाई ओके। अब देख सकते हो कि मेवन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये लोकेशन चेंज हो जाएगा, राइट। थोड़ी देर हमें वेट करना है क्योंकि मेवन फिर से सारे रिपोजिटरी को कहाँ से, सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2-3 मिनट टाइम लग सकता है, राइट। उसके बाद ये देखेंगे कि लोकेशन डी कॉलन माई रेपो शो करेगा, उसमें अंदर 4500 डाउनलोड होके स्टोर होंगे, राइट। तो थोड़ा वेट करना है हमें। सो गाइज देख सकते हो कि ये रिपोजिटरी लोकेशन चेंज हो गया, माई रेपो में सारे लाइब्रेरी मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके यहाँ स्टोर किया है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्प्रिंग रिलेटेड सारे जार्स जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है यहाँ डाउनलोड होके स्टोर हो गया, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप इक्लिप्स में जो settings.xml फाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं इजीली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।